मेरे साथ जिंदगी में वैसी देखो मेरी मौत का दूसरा कलेश हुआ तुम्हारी वाली उसे बना देता हूं। तो भाई क्या हाल है सबके। मैं तो बहुत बुरा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा हूँ आज। हालात मेरे, बर्थडे की पार्टी है आज मेरी, ठीक है, और चीजें खरीदनी है बहुत सारी, बहुत चीजें करनी है। मेरा UPI ब्लॉक हो गया है, मेरा कार्ड चल नहीं रहा है, ठीक है, और बहुत यार सरदर्दी हो गई। मेट्रो भी 3 मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो में सो गया था तो छूट चुकी है, चौथी मेट्रो है, पता नहीं कहीं ना कहीं पहुंच रहा हूँ। नोएडा जाना था, वैशाली पहुंच रहा हूँ, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ आज जीवन में। मेरी जिंदगी में ना सड़े जब खत्म हो जाए उस दिन समझूंगा कि हाँ आज जीने का वो मिला है मुझे मकसद। हाँ भाई क्या हाल है सबके। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी आज रात को है मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू की पार्टी। मेरे साथ जिंदगी में वैसे कुछ सही नहीं होता, आज भी नहीं हुआ भाई, इतने कलेश हुए सुबह से। पहले मेरा हो गया, मेरा कार्ड तो वैसे ही ख़राब पड़ा है बैंक का, ठीक है, और पार्टी का सामान वामान मतलब समझ जाओ हैं, पार्टी के लिए जो जो चाहिए था वो मुझे लेना था, बट मैंने देखा मेरा पहले तो कार्ड मेरा ख़राब पड़ा है, मैं UPI यूज़ करता था, UPI मेरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। अब कह रहे हैं कि कहते हैं, और मेरा बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कहते हैं कि क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर दिए 1 लाख से। तो मैंने कहा 1 लाख रुपये मैंने मेरे पूरे खानदान ने मिलके नहीं देखे एक साथ अकाउंट में, तुम कैसे कह रहे हो मेरे 1 लाख। अच्छा तो भाई ये सब सीन हुआ तो अब मैं फकीर हो गया, मैंने कहा अब क्या करूं मैं, तो मेरी मदद के लिए कौन आया सोचो, शिनचैन। आज भी सूर्यवंशी देखने गया था, वो बहुत ही अच्छी मूवी थी। हाय बोल दे, हाय, डिसेंसी नहीं है क्या तेरे अंदर कुछ भी, वही लड़की जिसको तुम कह रहे थे शिनचैन इंचन वाली। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, ठीक है, ऑफिस जा रहे हैं और सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, और सीनियर हमें 10 बजे तक पहुँचना था, अभी 9:30 बज गए हैं, हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं एज यूजुअल, कभी टाइम पे नहीं पहुँचता। और एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ भाई, हाँ एक और चीज़ बतानी है मेरे साथ, क्या एक कलेश तो ये हुआ, दूसरा कलेश हुआ, नोएडा आने के लिए मैं मेट्रो में बैठा और मैं पहुँच गया वैशाली, हुआ था वैशाली पहुंच गया, मैं सो रहा था, मैं सो गया था, तो मैं वैशाली पहुंच गया, मैं उठा, मैंने देखा, मैंने पहले उठ गया, मैंने देखा ही नहीं, मैं बाहर आ गया वैशाली से बाहर निकल गया, मैंने कहा ये सिटी सेंटर कुछ अलग सा लग रहा है, तो हाँ बाहर निकला, मैंने कहा यार ये अलग कैसे हो गया इतना सिटी सेंटर भाई, मैं मानोगे नहीं, थोड़ा सा चल भी लिया, उसके बाद मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि ये वैशाली है, क्योंकि बहुत साल पहले कम से कम 2014-15 में मैं वैशाली में काम करता था, तो वैशाली मेट्रो से नीचे उतर के ना उसके नीचे बैंक्वेट हॉल है, तो वो बैंक्वेट हॉल दिखे मुझे, मैंने कहा ये तो देखा सा लग रहा है, मेरे को लगा फाक लो जी वैशाली आ गया हूँ। फिर वैशाली से नोएडा गया, इतनी चौदे पाल रखी है ना मैंने अपने जीवन में, क्या चाहिए फुटेज चाहिए क्या तुझे, शाउट आउट चाहिए क्या तुझे मेरे से, बंदा फेमस होने नहीं लगता, सब चिपकने लगते हैं। पैसे दिए हैं आज, बहुत सारा उधार दिया इसने मुझे, इसलिए मैं इसके कर्ज तले दब रहा हूँ, इसलिए मैं आज इसकी कुछ भी बकवास सुनूंगा और ये बोल सकती है, लेकिन कल जैसी मैं इसका कर्ज उतार दूंगा तब क्या होगा, क्या होगा तब। तो बाकी अभी हम पहुंच रहे हैं, भैया कितना टाइम दिखा रहा है, आधे घंटे, अभी भी आधा घंटा दिखा रहा है भाई, कितनी दूर है, चलो अब सीधा पार्टी में मिलेंगे। जो भी बोलते हैं उसको वाली पार्टी हुई, तो उसमें तो कुछ रिकॉर्ड ऐसा सच कर नहीं पाए उसके अलावा, ठीक है, क्योंकि सब बिजी थे, मैंने कहा चलो अभी मजे करते हैं। उस टाइम पे मैं भूल गया कि मुझे इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बनना है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे वापस से याद आ गया। तो आज है बर्थडे, अभी कितने बज रहे हैं, 1 मिनट, 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे अभी हम उठे गए मतलब तैयार व्यार हो गए और अभी जा रहे हैं मैं और ये। हेलो बोल, अच्छे से बोल। तो अपन लोग जा रहे हैं आज पूरा दिन बर्थडे मनाएंगे। आई एम नॉट अ बॉलीवुड फैन, लेकिन इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश। तो भाई अभी बज गए हैं शाम के 6 और हम अभी निकल रहे हैं, और हमारा प्लान है कि पहले कुछ खाएंगे चल के एंड उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। मैं तो फिर से जा रहा हूँ मूवी देखने उसके लिए, और वो पहली बार जा रही है देखने, तो उसको दे दूंगा मैं स्पॉइलर, उसकी मूवी ख़राब कर दूंगा क्योंकि मैं गंदा आदमी हूँ। अच्छा और उसके अलावा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे तुमसे, सुनोगे भाई। अभी मैं बातें कर रहा था तो हमने रियलाइज़ किया कि यार 2020 से 2021 बहुत ऐसे
टेंशन वाला गया है ये कोरोना वरोना ये सब ना बकचोदी के चक्कर में बहुत टेंशन वाला माहौल गया है। बट अब 2021 में फाइनली जब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं और सब वैक्सीनेटेड भी हैं एंड नहीं हो तो करवा लो वैक्सीनेशन पूरी अपनी, तो अब जब फाइनली चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो रही हैं तो फाइनली 2021 में सब होप कर रहे हैं कि अच्छे से बिना डर के न्यू ईयर मनाएंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और लाइक न्यू ईयर पे क्या होता है, पार्टीज अरेंज करते हैं हम और गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। और ये गिफ्ट्स वगैरह पार्टीज वगैरह अरेंज करने के लिए ना जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अच्छी इंटेंशन अच्छी श्रद्धा तो है ही, उसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है पैसा। पैसा पैसा है तुम्हारे पास? पैसा है तो और कमाओ, मैं बताता हूँ कैसे। देखो भाई तुम्हें एक बहुत सही प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, फोराबेट करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहाँ पे तुम अपना मनी डिपॉजिट करके गेम्स खेल सकते हो और पैसे जीत सकते हो। मैंने पिछले कुछ महीने में बहुत सही छापा है मैंने इस प्लेटफॉर्म से, बहुत सही प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो भाई इस प्लेटफॉर्म पर तुम गेम्स खेलो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना है तुम्हें दिन का और फ़ोन चाहिए तुम्हें, बस बस इतना तो कर ही सकते हो पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारे न्यू ईयर प्लान तो शॉर्ट हो ही जाएंगे इससे, ठीक है। और न्यू ईयर पे ये लोग एक काइंड ऑफ गिफ्ट भी दे रहे हैं तुम लोगों को, जिसमें क्या है कि अगर तुम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके क्लिक करते हो तो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे डिपॉजिट पे बोनस। यस, बोनस बोनस समझ रहे, बोनस वर्ड में कुछ बात है ना। तो अगर तुम्हें भी चाहिए वहाँ पे बोनस और कमाने हैं और अपना न्यू ईयर मनाना एकदम टिच, तो तुम्हारे डिपॉजिट पे बोनस मिलेगा, तुम ज़्यादा कमाओगे, मुझे खुशी होगी, तुम्हें खुशी होगी, सब खुश रहेंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? गुड। चलो फिर जल्दी से फोराबेट डाउनलोड करो और पैसे कमाओ, हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, ये बाय। तो भाई अभी हम निकले हैं, लेट हो गया एज यूजुअल, और 6 बजे का हमने सोचा था, अभी बच गए हैं 7, 8 बजे का शो है तो शायद हम खाना वाना तो खा नहीं पाएंगे, सुबह से भूखे, कल से भूखे हैं इनफैक्ट। लाइट मारियो थोड़ी। हम लोग जा रहे हैं अभी और अभी बज चुके हैं 7 और अभी राहुल हमारा एक दोस्त है वो भी आ रहा है। क्या कर रही है, तेरे को लाइट मारनी भी नहीं आती जिंदगी में, एक काम तो ठीक से कर। वो भी आ रहा है और बाकी मैंने ना एक बहुत सही जुगाड़ निकाल लिया है, वो बाद में बताऊंगा, मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। ओए बैक। तो अभी हम जा रहे हैं, चलो अब हम 4 बार बोल चुका हूँ जा रहे हैं। दूर रह छूटे छाने आ जाती है। भैया मेरे से पूछ रहे हैं कि पार्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बता। Like you said, समारोह। समारोह महोत्सव। महोत्सव उत्सव होता है। आज एक क्लब में महोत्सव अटेंड करने चले क्या? तो भाई हाँ यहाँ पे पहुंच चुके हैं सेक्टर 18 की मार्केट में। भाई मुझे जैकेट वैसे पहले अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन अब अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ही इनडिसाइसिव हूँ मैं जिंदगी में। अभी ना व्लॉग बनाते हुए इतनी गांड फट रही है ना मेरी कि बहनचोद फिर ले जाएगा कोई हाथ से टपा के। इस बार पिछली बार पता क्या गलती हो गई थी मेरे से, मेरे हाथ की ग्रिप इसलिए कमजोर रहेगी, बहनचोद दारू पी रखी थी मैंने, तो मत पिया करो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने छोड़ दी मैंने, आज के बाद नो दारू, आज के बाद कोई दारू नहीं पीऊंगा। तो भाई सीन ये, इसको खाना है कचरा मोमोज बर्गर जो हम कल से चबा रहे हैं, और मुझे खाना है दाल रोटी, सबसे बेस्ट अच्छा बेस्ट खाना होता है दाल रोटी सब्जी आलू की। मी एक दाल रोटी एवरी टाइम। और भाई वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या होती है वो सब्जी, कौन सी होती है, जीरा आलू जीरा। भाई मैं कोई फोन शो ऑफ नहीं कर रहा, अगर कोई चोर ये देख रहा है प्लीज मेरे पास मत आना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पे कर्जा चढ़ गया। हमें खाना था दाल रोटी और फाइनली हम खा रहे हैं बर्गर, क्योंकि नारी शक्ति से। इधर दे, चैनल मेरा फुटेज ले रही है, बर्गर खाना पड़ रहा है, नारी शक्ति से कोई नहीं जीत सकता। तो भाई कर लिए, मैदा खाएंगे आज फिर से, खुश है मैदा खिला के मुझे है? ये क्या पहन के, ये तो पहले ये बता, रोड बना दे जाके जा। बूट्स कहते हैं, गवार। गरीब छोटा बचपन में भाई मैंने बहुत खरीदे, तूने खरीदे हैं बचपन में? हैप्पी मील मेरी एक बार निकली थी, एक बहुत सही कार अभी तक पड़ी हुई है मेरे पास, बचपन की यादें ताजा हो गई। देखो मेरी मौत का तमाशा, मैदा डाल रहा हूँ अपनी बॉडी में, पर फ्राइज अच्छे हैं, मजा आ रहा है। तो भाई हम खाना खा के निकल चुके हैं, एज यूजुअल हम हैं लेट, तो भाग रहे हैं, भाग कुत्तों की तरह। किसकी वजह से लेट हुए, इसकी वजह है क्योंकि हमें खाने वाने का आसपास मिल जाता है, इसको खाना बर्गर। चलो भाई चलो 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 चलो, पहुंच गए ऑलमोस्ट। और भाई वही उसी खंडर वाले में जा रहे हैं, याद है ना वो पिछले व्लॉग में दिखाया था मैंने, खंडर सी जगह थी, वही जा रहे हैं, हमें खंडर ही मिलता है देखने के लिए, पता नहीं क्यों, इतने गरीब हैं क्या हम रिशिता।
रिशिता ओके आई एम शट अप। खंडर पहले से बन गया ना, ये बन रहा था जो खंडर। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। गलत सूट में गा रहा है, बंद कर दो हो गया। नहीं कर रहा मैं बंद, मेरे घर में रोटी आती है यहाँ से। यार अभी तो कुछ दिख भी नहीं, तू तो दिख भी नहीं रहा है, बंद। बर्थडे तो इसके ना, ये थोड़ी इतनी डेकोरेशन करोगे यार। अबे यार फैंस भी ना, ठीक है थैंक्स गॉड गॉड डैम इट। मूवी खत्म हो चुकी है, ठीक है। मूवी का मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि पिछले व्लॉग में वो दिखा चुका हूँ। तो मूवी खत्म हो चुकी है, इसने देख ली, इसने पहली बार देखे, मैंने तो देख ली है। दूसरी बार भी उतना ही मजा आया, वैसे मजा आया जेन्युइन मूवी रिव्यू देना। तो भाई अभी मूवी खत्म हुई है, मैंने तो देख रखी थी, ठीक है। दूसरी बार भी उतनी जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन लगी है। और बहन चोद गलत ठंड हो रही है यार, गलत गलत ठंड हो रही है। अभी यहाँ से या तो देखते हैं कुछ खाने जाएंगे, नहीं तो फिर जाएंगे कहीं पे, नहीं तो सीधा घर जाएंगे। इसको बहुत ठंड लग रही है, इसलिए बोलने के इसमें नहीं। इसने मेरे को डांट दिया जब मैंने इससे बोला चिंटू रिव्यूअर व्हाट इज योर रिव्यू, तो इसने मेरे को डांट दिया बहुत बुरा। ठंड तो है बहुत बुरी। तो भाई अभी हम आ गए हैं नोएडा, सोच रहे हैं इम्परफेक्टो की जगह है वहाँ पे जाने की, तो वहाँ पे जा रहे हैं। ओके आई विल अपडेट यू नेक्स्ट। अभी तक हमें नहीं मिला, उधर ही चल रहे श्योर, पक्का श्योर। भाई हम फिर से वहाँ से लौट आए, हमें जगह ही नहीं मिल रही, बहन चोद कहाँ जाए। ये इतनी इनडिसाइसिव है ना अपनी लाइफ में। खुला है, अरे खुला है, अंदर लोग दिख रहे थे। फाइनली एक जगह ढूंढ ले, अरे तो भाई अभी एक खाना वाना खा के वापस आ गए हैं, हम घर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना अभी दिखाता हूँ, कुछ ऐसा सा सीन चल रहा है, कूल वाइब्स होती है ना, कूल वाइब्स। पार्टी पूटी पूटी पार्टी करके आ गए हैं घर वापस, अभी रात के बज रहे हैं आई गेस दो, हाँ आई गेस दो, रात के बज रहे हैं दो। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, राहुल भी आया था, ठीक है। उसको मैं दिखा नहीं पाया, आपसे मिलवा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा बंड हो गया, तो बर्थडे ऑल एंड ऑल अच्छा गया, गुड बर्थडे। सो अभी बस कुछ नहीं, खाना मंगवाया, थोड़ा खाना पेल के फैल जाएंगे। ऑल राइट गुड फन, कल मिलते हैं अब। ये ओके, तो हो गया बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, वापस से पुरानी जिंदगी में आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है कर दो जल्दी जल्दी, और थोड़ा सब्सक्राइब खींचो बहन चोद, ठीक है। तो अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, एंड आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं, प्लान कर रखे हैं मैंने कुछ कुछ चीज़ें, तो वो सब भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय।